हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूविंग आयरन का हम सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तो आइए उस मूविंग आयरन के ऊपर बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, राइट। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। दो या तीन न्यूमेरिकल्स करने से हमें पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। द इंडक्टेंस ऑफ मूविंग आयरन एमीटर इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहां पे हमको मूविंग आयरन का इंडक्टर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या देखने को मिला है कि देखो, जब मैं टॉर्क का इक्वेशन डिराइव कर रहा था मूविंग आयरन के केस में, तो हम मैंने क्या बोला था कि आपका इंडक्टर वैरी कर रहा है और वैरी कर रहा है, और देखो यहां पे वैरी कर ही रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा वैरी कर रहा है। तो जो चीज हमें गिवन है, जैसे कि यहां पे मिलता हूं एल, हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर वन में, एल कितना गिवन है 20 प्लस 10 थीटा माइनस 2 थीटा स्क्वायर, ये चीज हमें गिवन है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है पता है, ये माइक्रो हेनरी। मैक्सिमम टाइम हम इस माइक्रो हेनरी को भूल जाते हैं, तो माइक्रो हेनरी को कभी नहीं भूलेंगे। इसको इंटू 10^-6 लिख दो यहाँ पे पहले से ही, ठीक है, 2×10^-6 हेनरी। तो ये माइक्रो हेनरी को मैं कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, माइक्रो को नहीं बोलना है क्योंकि उससे फिर हमारा रीडिंग्स में डिफरेंस आएगा। तो अब यहाँ पे वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन रेडियंस, तो ये जो थीटा है ये डिफ्लेक्शन है इन रेडियंस, ठीक है। याद रहे यूनिट्स का भी खेल है इसमें, तो अच्छे से याद रखें, वो हेनरी में हो गया, ये रेडियंस में हो गया। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 24×10^-6 न्यूटन मीटर रेडियन, केसी आप बोल सकते हो 24×10^-6 न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक है। तो देखो थीटा रेडियन में था, इसलिए ये भी क्या है, न्यूटन मीटर पर रेडियन में है। अगर थीटा डिग्री में होता और ये अगर रेडियन में होता, तो आपको इसको चेंज करना पड़ता डिग्री में, न्यूटन मीटर पर डिग्री करना पड़ता, या ये थीटा को आपको न्यूटन डिग्री से आपको रेडियन में चेंज करना पड़ता। पर यहां पे ये जो रेडियंस है और ये रेडियन आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये डिग्री या फिर ये भी डिग्री होना चाहिए तब उस केस में। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ 5 एम्पियर। यहां पे करंट कितना बोला जा रहा है, I = 5 एम्पियर। अब सबसे पहली बात तो इन केस ऑफ मूविंग आयरन हमें क्या पता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है मूविंग आयरन का, वो होता है 1/2 I² dl/dθ, ठीक है। और अगर मैं देख रहा हूं इसको वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो I मतलब कि क्या 5 का स्क्वायर, dl मतलब कि क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करो भाई 20 इसको डिफ्रेंशिएट के विद रिस्पेक्ट टू थीटा जीरो हो गया, 0 + 10 + -4 थीटा, ये चीज हो रहा है -4 थीटा, ये करेक्ट, और × 10^-6 इसको सॉल्व करते हैं, तो ये TD आ जाएगा हमारा कुछ वैल्यू इसका, तो ये हो जाएगा 25/2×10^-4θ × 10^-6। अब मैं क्या करता हूँ, 2 को हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको कर देता हूँ 5 और इसको कर देता हूँ 2, ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये तो मेरा आ गया वैल्यू किसका, TD का। और आपको पता है कि मूविंग आयरन में आपका स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जाता है, तो इस केस में आपका डिफ्लेक्ट कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, केसी थीटा के इक्वल होता है। और आपको यहां पे केसी की वैल्यू गिवन है, और एट स्टेडी स्टेट आपका TC = Tθ होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि केसी थीटा इज इक्वल टू दिस आपका 25 × TC = TD, 25 × 5 − 2θ × 10^-6। तो यहां पे हमारे पास थीटा क्या आ गया भाई, थीटा आ गया, यहां पे देखो डायरेक्टली यहां पे लिख दो क्या, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू थीटा आया आपका 1/2 I² / KC, और ये हो गया 1/2 I² / KC dl/dθ, ये आ गया थीटा। तो इसी को अगर मैं देख रहा हूं यहां पे 25
इंटू फाइव माइनस टू थीटा इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स अपॉन हाउ मच के सी इज 24 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स 10 टू द पावर माइनस सिक्स 20 10 टू द पावर माइनस सिक्स कैंसल आउट होता है यहाँ पे। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इस इक्वेशन को, तो एक बार आइडिया हो जाए आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसलिए मैं फॉर्मूला को लिया राइट। तो देखो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गया है, ये आ गया 25/24। इसको अगर मैं सॉल्व करूं कितना आ रहा है कैलकुलेटर से, 25 divided by 24 is 1.0416, ठीक है। थीटा इज कमिंग एज 1.04166, ठीक है 4166 ऐसे क्या आ रहा है, और 5 माइनस टू थीटा, टू थीटा ये आ गया। और इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इंटू फाइव करता हूँ अंदर में, तो ये हो गया आपका आंसर इंटू फाइव 5.2, ये हो गया आपका 5.2 ले लेता हूँ इसको मैं 5.21 ले लेता हूँ, चलो 5.21 और फिर ये हो गया 1.04166 इंटू टू किया तो ये आपका माइनस 2.083 आ गया, ठीक है 083 थीटा और इधर थीटा, तो इसको अगर मैं इधर लेके गया तो मेरे पास क्या गया 3.083 थीटा इज इक्वल टू 5.21। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 5.21 डिवाइडेड बाय 3.083, ये आ गया 1.689 रेडियंस, ठीक है। तो ये आपका रेडियंस में आंसर आया। अगर मेरे को इसको डिग्रीज में निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इंटू 180 करूँगा डिवाइड बाय पाई कर दूंगा, तो मेरा 96.824 डिग्री का डिफ्लेक्शन आएगा। तो जब मैं, मेरा इंडक्टर अगर ये है और स्प्रिंग कांस्टेंट ये है और अगर मेरे मूविंग आयरन में से 5 एम्पियर पास हो रहा है तो मुझे 96.824 का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस फॉर्मूला राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो आई होप आपको आइडिया हुआ होगा कि कैसे सॉल्व करना है हमें राइट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आप अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट जान चुके होंगे मूविंग आयरन का, तो आपको एक समय ट्राई करने के लिए थोड़ा सा अप्रोच लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखो करंट I क्या है, I आपका गिवन है 10 + 5 sin ωt प्लस 10 sin 3 ωt, ठीक है, प्लस 15 भी है भाई 15 sin 5 ωt, ये चीज गिवन है। देन कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ये मूविंग आयरन है, करंट ऐसे जा रहा है, सप्लाई एसी सप्लाई है, यहां पे हम इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस आर क्या है, 2 ohms का रेसिस्टेंस है, 2 ohm का रेसिस्टेंस है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका इस रेसिस्टर के अक्रॉस। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि पीएमएमसी जो होता है, पीएमएमसी मेजर्स एवरेज वैल्यू, ठीक है, ये आपका एवरेज वैल्यू को मेजर करता है पीएमएमसी, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं मूविंग आयरन मेजर्स आरएमएस वैल्यू, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर यहां पे तो हमको चलो गिवन है कि ये एमीटर जो है मूविंग आयरन का है, अगर ये पीएमएमसी होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, तो ये आई कितना होगा 10 एम्पियर होता पीएमसी के केस में, एवरेज वैल्यू को बस मेजर करता, तो ये जो करंट इससे पास करते हम तो हमारा एमीटर सिर्फ 10 एम्पियर को मेजर करता, बाकी सब जीरो हो जाते, तो रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था 20 वोल्ट का आपका वोल्टेज ड्रॉप होता, ठीक है 10 एम्पियर करंट इंटू टू 10 × 2 आपका 20 वोल्ट वोल्टेज आ रहा था इन केस ऑफ पीएमएमसी। अब अगर मूविंग आयरन यूज किया जा रहा है तो यहां पे हमको पता है कि मूविंग आयरन आपका आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, तो आईआरएमएस कितना होगा, आईआरएमएस हमारा होगा यहां पे 10² + 5 + 10 +
15 स्क्वायर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जा रहा है कुछ आपका 100 प्लस 25 प्लस 100 प्लस आपका 15 का स्क्वायर, ये आपका कितना होता है एक बार चेक करते हैं इसको कैलकुलेट करके पूरा वैल्यूज को। 225 यहाँ पे 225 और अपॉन डिवाइड बाय 2, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको कर लेते हैं, ये हो गया आपका 100 प्लस 225 प्लस 25 अपॉन 2 प्लस 100 इज इक्वल टू 275, तो यहाँ पे आपका 275 आ जाएगा। तो ये आपका IRMS स्क्वायर IRMS आ जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आपके पास IRMS आ गया तो अब आप वोल्टेज निकाल सकते हो क्या, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R होगा, ठीक है। R की वैल्यू आपको पता है, तो IRMS इंटू R दैट इज VRMS जो है वो होगा अंडर रूट 275 इंटू R दैट इज 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसको एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 275 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 33.166, ठीक है। तो यहाँ पे 33.166 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर मुझे यहाँ पावर की बात करनी होती, पावर कितना रेसिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट होगा अगर ये निकालना होता, तो उस केस में हम क्या करते, IRMS स्क्वायर भी आता, तो इसका मतलब क्या होता आपका 275 इंटू 2 होता और ये इक्वल होता आपका किसके, ये 550 के इक्वल होता शायद, चेक करते हैं इसको, 5 2 5 10 2 7 14 1, ठीक है 550 आ रहा है ना, 550 वॉट। तो ये आपका पावर डिसिपेट होता इसके अक्रॉस, राइट, ये आपका पावर डिसिपेट होता इसके अक्रॉस। अब ये तो हो गया आपका इस सॉल्यूशन का, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, कि यहां पे हमको पता था कि आपकी MI जो था वो RMS वैल्यू को मेजर करता था, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को हो सकता है कि आपको सिर्फ ये दिया जाए, 5 sin ωt पास करने दिया जाए, तो 5 sin ωt पास करने बोला जाएगा तो आपका RMS वैल्यू कितना होगा, 5/√2 होगा, राइट। और क्या किया जा सकता है, और यहां पे ऐसा किया जा सकता है कि यहां पे आपका डायोड कनेक्ट कर दिया जाए, यहां पे आपका डायोड कनेक्ट कर दिया जाए। तो जैसे ही डायोड कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, आपका ये जो जितने भी आपके डायोड कनेक्ट करने से जो चेंजेस आएगा, मतलब कि यहां पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर का केस बन जाएगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आपका क्या आउटपुट आना चाहिए वो चीज आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे भी क्वेश्चन आप क्या सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो आप ये भी साथ में सोचते हुए चलो कि इसके इस कॉन्सेप्ट में और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को और किस टाइप से एक्सटेंड किया जा सकता है और कैसे घुमाया जा सकता है। तो वो सब भी आइडिया अगर आप सोचते चलोगे ना, तो आप एक्सपेक्टेड कर रखे रहोगे, एक्सपेक्टेड रहेगा आपसे कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता था, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये मेरे सामने थर्ड क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते आइए। 0 to 1 मूविंग 1 एम्पियर मूविंग आयरन एमीटर, कितना रेंज का एमीटर है, ठीक है। IM गिवन है 1 एम्पियर मूविंग आयरन, ठीक है। एमीटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 50 मिली ओम्स का, दैट इज 50 × 10⁻³ ओम्स का। एंड इंडक्टेंस ऑफ, देखो इसमें एसी के यूज किया जा रहा है तो मीटर का इंडक्टेंस भी गिवन है हमारे पास, 0.1 mH, दैट इज 0.1 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है। शंट कॉइल इज कनेक्टेड टू एक्सटेंड इट्स रेंज, ठीक है। शंट कॉइल अब कनेक्ट किया जा रहा है एमीटर को रेंज एक्सटेंशन करने के लिए, जिसका एक्सटेंडेड रेंज हमको कितना मिल रहा है, I मिल रहा है हमको कितना, 10 एम्पियर, ठीक है। ये चीज, फॉर ऑल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज द टाइम कॉन्स्टेंट इन मिली सेकेंड एंड रेजिस्टेंस इन मिली ओम्स ऑफ द शंट कॉइल रिस्पेक्टिवली आर, तो हमसे क्या पूछा रहा है, शंट टाइम कॉन्स्टेंट पहले पूछा जा रहा है। फर्स्ट थिंग हमसे ये पूछा जा रहा है कि शंट टाइम कांस्टेंट कितना होगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्सटेंशन एमीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम शंट ब्रांच कनेक्ट करते हैं एमीटर के साथ, पर ये जरूरी होना चाहिए कि उस शंट ब्रांच का टाइम कांस्टेंट सेम हो मीटर टाइम कांस्टेंट से। तो
क्या होना चाहिए, टी एस एच मस्ट बी इक्वल टू टी एम, दिस इंप्लाइज एल एस एच बाय आर एस एच इज इक्वल टू एल एम बाय आर एम। तो यहां से मेरे को मिल रहा है टाउ एस एच इज इक्वल टू हाउ मच, एल एम बाय आर एम दैट इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 15 टू 10 टू द पावर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0.002 मिली सेकेंड, 0.002 सेकेंड, दैट इज ये हो गया आपका 2 मिली सेकेंड। ठीक है, ये 2 मिली सेकेंड राइट। तो 2 मिली सेकेंड कौन कौन सा हो सकता है, सी और डी तो यहां पे एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ए या तो फिर बी आपका ऑप्शन हो सकता है। टी एस एच की वैल्यू आ गई मेरे पास। सेकेंड थिंग हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंड रेसिस्टेंस इन मिली ओम्स, रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछी जा रही है, कितना अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा। तो आर एस एच अगर मैं निकालूं तो आपको ये पता होना चाहिए, आर एस एच अगर निकालना है तो, कि आपका जब शंट टाइम कांस्टेंट आपका इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट होता है तो तब आपका मूविंग आयरन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और उस केस में क्या होता है कि आई एम आर एम इक्वल होता है आई एस एच आर एस एच के इक्वल। इसका मतलब कि क्या, कि आपका आई एम आर एस एच ये जो है आर एस एच बाय आर एम इक्वल टू आई एम बाय आर एस एच आई एस एच ये हो जाता है। ठीक है, और आई एस एच किसके इक्वल है, आई एस एच हमारा शंट ब्रांच करंट है, वो किसके इक्वल होता है, एक्सटेंडेड रेंज 10 माइनस मीटर करंट दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा यहां पे, आर एस एच जो होगा आपका वो होगा आर एम, आर एम कितना गिवन है, देखो आर एम को मैं इधर लेके गया तो आर एम यहां पे लिखता हूं, आर एम आई एम अपॉन आई माइनस आई एम, दिस इंप्लाइज आर एम कितना है आपका 15 टू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आई एम कितना है, आई एम है 1 अपॉन 9। ठीक है, आई कितना है 10 है, 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो 15 टू 10 टू पावर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू ये कितना आएगा आपका 5.55 मिली ओम्स आ जाएगा। ठीक है, तो आर एस एस आ गया 5.55 मिली ओम्स। तो यहां पे मैं शंट ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होता है और ऑप्शन बी रॉन्ग होता है राइट। तो यहां पे हमने शंट टाइम कांस्टेंट निकाल लिया, शंट रेसिस्टर निकाल लिया, तो शंट इंडक्टर को भी निकाल ही लेते हैं। शंट इंडक्टर कहां से निकालोगे, आपको पता है कि टाउ एस एच आपका किसके इक्वल है, ये है एल एस एच बाय आर एस एच इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इसको अगर आप करते हो तो एल एस एच आपका मिल जाएगा 5.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये आपका कुछ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल एस एच आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 1.11.1 मिली इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ 11 माइक्रो हेनरी के इस हिसाब से कुछ आ रहा है। तो एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे यहाँ पे, पर मुझे लगता है कि इतना ही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम थर्ड थिंग भी निकाल लिए, क्या इंडक्टर आपका शंट का इंडक्टर। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैंने मूविंग आयरन के सारे न्यूमेरिकल्स को जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिया है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा राइट। ये तीनों क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में राइट। तो ये तीन क्वेश्चन थे, अब यहाँ पे हमारा मूविंग आयरन का कॉन्सेप्ट कवर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामोमीटर नेक्स्ट क्लास से, तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।